नमस्कार बच्चों, नए क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम लोग लिमिट्स का लेक्चर 4 देखने वाले हैं। तीन लेक्चर इससे पहले हम लोग बना चुके हैं, उसमें अलग अलग टाइप का लिमिट से आया हुआ सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम लोग सीखे हैं और इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो बाबू, एकदम धासु फॉर्मूला देखो। यदि तुमको दिया हुआ रहे a का पावर x माइनस 1 और बाई में x और लिमिट दे दे x टेंस टू a, इसका वैल्यू आंख मूंद के आप बोल देना log a। इसका वैल्यू आंख मूंद के आप क्या बोल देना log a। देखो बाबू, हम इससे पहले भी बताए हैं लिमिट में क्या है, बहुत सारा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब अगर फॉर्मूला ध्यान में है तो आपको बहुत क्वेश्चन ऐसा आएगा जो डिटो आप हल्का सा उसमें दिमाग लगा दोगे वो फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। ठीक है, तो बिना फॉर्मूला माइंड में किए ब्रेन में किए बहुत मुश्किल है। तो देखो क्या है फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंस टू ए, ए का पावर एक्स माइनस 1 बटा एक्स अगर रहे तो बराबर आप लॉग ए डायरेक्टली लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते। अब बोलोगे सर इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन दिखाइए सर, तब समझ में आएगा अच्छा से। तो एक वो एग्जांपल देखो बाबू, अगर क्वेश्चन है एक जगह सपोज करो लिख दिया 2 का पावर x माइनस 1 और x की जगह भी लिख दिया x। देखो बाबू यहां समझना, 2 का पावर अगर x की जगह अगर हाथी है तो यहां भी x की जगह हाथी होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए ऊपर नीचे, और माइनस में हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, और लिमिट क्या लगाएगा बाबू, x टेंस टू a नहीं बाबू, x टेंस टू 0, x टेंस टू हमेशा 0। ठीक है, तो x टेंस टू कितना बाबू 0, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर अपने आप log a हो जाएगा। एक कौन है बाबू, ये वाला मेरा 2, तो आंसर हो जाएगा log 2। फिर से सुनो बाबू, a का पावर x माइनस 1 बाई में x और लिमिट x टेंस टू कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आप आंख मूंद के आंसर log a बोल दो। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल हुआ। एक एग्जांपल और देखो, फिर थोड़ा इससे हाई लेवल का देखो, लिमिट x टेंस टू 0 सपोज करो है 5 का पावर 2x माइनस 1 अब y में भी है 2x, इसका आंसर बताओ क्या, जल्दी से बताओ। तो कोई भी बच्चा देख के बोल देगा लिमिट x टेंस टू 0 चाहिए, लिमिट x टेंस टू 0 है, a का पावर x चाहिए और जो पावर में x है, जो पावर में है वही नीचे होना चाहिए, तो ऊपर 2x है तो नीचे भी 2x है, ऊपर हाथी है तो नीचे भी हाथी होना चाहिए, ऊपर घोड़ा है तो नीचे भी घोड़ा होना चाहिए और माइनस 1 होना चाहिए। तो इतना अगर हो गया तो डायरेक्टली मेरा आंसर हो जाता log a। अब चूंकि a के जगह ये है बाबू यहाँ कितना 5, तो a के जगह यहाँ क्या हो जाएगा बाबू सीधे 5, log 5 यही हो जाएगा आंसर। क्लियर, थोड़ा सा इसका लेवल हाई देखते हैं, थोड़ा सा इसका लेवल आपको हाई देखते हैं। ये फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए बाबू, विदाउट फॉर्मूला नहीं कर पाओगे कुछ, फॉर्मूला माइंड में चाहिए। एक क्वेश्चन ले लेते हैं बाबू, ये क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट एक्स टेंस टू 0 दिया हुआ बाबू 5 का पावर 3x और नीचे है माइनस 1 और y में सिर्फ x दिया हुआ, इसका वैल्यू आपको निकालना है। देख लो बाबू, जरूरी नहीं कि हर बार एकदम दूध भाप दिया देगा। देखो a का पावर x, x जो है नीचे भी x है, तो 5 का पावर ऊपर कितना है 3x और नीचे खाली क्या है x, नीचे क्या चाहिए 3x चाहिए, तब डिटो फॉर्मूला पे बैठेगा, तब आंसर डायरेक्ट log a हो जाता और एक जगह क्या पुट कर देते 5 पुट कर देते।
लेकिन यहां तो बाबू लफड़ा हो रहा कि यह 3x नहीं है। हाँ यहां 3 होता तो हम लोग का काम हो जाता। तो क्या करना होगा, पिछला लेक्चर में सिखाए थे कि भाई केकरो 3 रुपया देना है, 3 से गुणा करना है तो 3 से आपको भागा भी करना पड़ेगा। कोई 5 रुपया मांग रहा है, पूरा जिद कर रहा है, तो 5 रुपया आप उसको दे दो, आप बाहर जाके झपिया के छीन लो। हिसाब बराबर रहना चाहिए। तो यहां पर क्या करो बाबू, 3 से गुना भी करो, इसको कर दिए 3 से, अगला बार में क्वेश्चन में मत कर दो, यहां कर दो ऐसे। लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 का पावर कितना है 3x, नीचे है -1 और बाई में है x। तो हमको ये x को क्या बनाना है बाबू, 3x बनाना है। मकसद आपको पता होना चाहिए। मकसद अगर पता नहीं है तो क्या करो यार, मेरा मशीन कैसे चलाओ। तो मकसद पता होना चाहिए। इसको 3x बनाने के लिए क्या चीज करना होगा बाबू, 3 से गुना। तो 3 से गुना अगर कर रहे हो तो 3 से डिवाइड भी देना पड़ेगा। 1/3 लिख दिया, देखो ये 3 से 3 कट गया, मतलब मैथ के साथ कुछ नहीं किए। 3 से गुना कर रहे हो तो 3 से डिवाइड भी देना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? तो जल्दी बताओ ये क्या हो गया बाबू। लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 का पावर 3x -1 बाई में, ये देखो तो क्या बन गया, 3x बन गया 3x, और गुना 1/3। तो गुना 1/3 को नीचे में है 1/3, गुना 1/3, इसको थोड़ा छटका के लिख दो, क्योंकि ये 1/3 का भी हमको कोई काम नहीं है, इसको थोड़ा छटका के लिख दो। इसको छटका के 1/3 को लिखिए, 1/3 दिख रहा है ना बाबू। ठीक है, इसको यही लिख देते हैं बाबू, 1/3, थोड़ा छटका के लिए। अब जल्दी बताओ ये पूरे का वैल्यू क्या, ये पूरा का वैल्यू क्या, तो तुम लोग बोलेगा लॉग ए, तो लॉग और ए के जगह में तो 5 है, तो लॉग 5, ये पूरे का वैल्यू लॉग 5। और देखो तो यहां पर क्या है, बाई में है 1/3, इसके बाई में है 1/3, बाई में है 1/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और क्या बन जाएगा, ये 3 ऊपर चल जाएगा और क्या बन जाएगा, 3 log 5। तो इसका आंसर हो गया बाबू 3 log 5। कुछ नहीं करना था बाबू, 3 से खाली गुणा कर दिए तो 3 से भागा दे दिए, तो ये 3 नीचे जो भागा दिए है ऊपर जाएगा, बस पूरे का वैल्यू log 5, 3 आगे आ गया, 3 log 5 हो गया। क्लियर, नहीं समझ में आया, हार्ड है क्या बाबू, हार्ड है, हमको लगता बहुत आसानी से बना देगा। और एक आगे क्वेश्चन है, फॉर्मूला ध्यान में है, आपको लिमिट में मजा आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर मान लो 4 है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 7 का पावर है 5x -1, अब y में है सपोज करो सिर्फ x, जिसका वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो ट्रिक देते रहे बाबू, ट्रिक से करके आंसर बना दोगे। देख ऊपर 5x है तो नीचे भी 5x होना चाहिए, होना चाहिए, तो इसका आंसर सीधे क्या हो जाता, log a, ये यानी 7, सीधे आंसर हो जाता log 7। log 7 आंसर कब होता, जब ऊपर 5x है तो नीचे भी 5x होना चाहिए तब। तो 5x के लिए नीचे 5 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे 5 से गुणा करना पड़ेगा, यानी ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो सीधे ऊपर आ जाएगा 5, यानी आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 log 7। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ऐसे कर दोगे आप, ठीक है, डायरेक्टली। मैं तो अब इसको कैसे बनाओगे बाबू, इसको कैसे बनाओगे आप, प्रोसेस से आप बना के इसको बताना। ठीक है, आप इसको प्रोसेस से बना लेना, एक फॉर्मूला और बेस्ड हम इस पर प्रैक्टिस कराते रहे। ठीक है।
एक फॉर्मूला हो। यहां तक बात समझ में आ गया बाबू। अब एक नया फॉर्मूला देखो, बहुत अच्छा फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। देखो बाबू, अभी क्या था, a का पावर x माइनस वन बाई एक्स बराबर क्या था, लॉग ए। यही फॉर्मूला अभी हम लोग देखे। तो ये a जो है कोई भी नंबर हो सकता था, वन टू थ्री फोर कुछ भी, लेकिन a अगर एक्सपोनेंशियल रहे, a अगर एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है, मतलब e दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है, e दिया हुआ है, और सेम यही फॉर्मूला रहे, तो आप सीधे इसका आंसर कर देना वन। सीधे इसका आंसर क्या कर देना, वन, मतलब एक्सपोनेंशियल का पावर x माइनस वन बाई एक्स, लिमिट x टेंड्स टू जीरो दिया रहे, आप उनके आंसर क्या कर देना, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल का पावर हाथी बाई हाथी रहे, उसका भी आंसर कर देना वन। घोड़ा भाई घोड़ा रहे, उसका भी आंसर कर देना वन। क्लियर? तो इस पर कैसा क्वेश्चन आता है बाबू, एक तो प्रैक्टिस करते हैं, एक दूध भात वाला देते हैं क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू जीरो e का पावर 5x माइनस वन बाई में 5x, जल्दी से बताओ इसका आंसर। अगर ऐसा दिया हुआ है तो ऊपर हाथी नीचे हाथी सेम है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर? लेकिन तुमको लगता है थोड़ा दूध भात दिया देगा, नहीं ऐसा देगा बाबू, नीचे खाली x रखेगा, नीचे सिर्फ x लिखेगा। अब क्या करो, नीचे खाली x लिखेगा, अब इसको कैसे करो, तो हम तो जानते हैं कि ऊपर 5x है तो नीचे भी 5x हमको लाना होगा। अब 5x नीचे लाने के लिए क्या करना होगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो e का पावर 5x माइनस वन, नीचे है बाबू खाली x, तो 5 से गुना करना होगा, 5 से भागा देना होगा, नहीं 5 से गुना 5 से भागा देना होगा। तो जल्दी बताओ बाबू, ये 1 बाई 5 छोड़ के पूरा का वैल्यू कितना, पूरा का वैल्यू कितना 1, ये पूरा का वैल्यू 1, आई बाई में है 1 बाई 5, तो 5 कहां चल जाएगा, ऊपर, इसका आंसर क्या जाएगा बाबू 5। क्लियर? आ रहा समझ में? चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, जल्दी से बना दो। तो खाली फॉर्मूला पे खेल है बाबू, और कुछ है नहीं। लिमिट कैसे तू लोग को डरावना लगता है बाबू, उसके बाद हम सारा को ज्वाइंट करके फिर बड़ा बड़ा मैथ भी सिखाएंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना। लेकिन पहले पहले जो है पूरा हथियार नहीं इकट्ठा करोगे और एक ही तुरी युद्ध के मैदान में कूद जाओगे, तो तुमको मारना है दुश्मन को, वही तेरा ही मर्डर हो जाएगा। क्लियर? इसीलिए पहले हथियार रेडी करो। चलो ये आप लोग का होमवर्क है, दो नंबर क्वेश्चन, ये आप लोग का होमवर्क। लिमिट x टेंड्स टू जीरो e का पावर 4x माइनस वन बटा है x, इसका वैल्यू आप लोग को कमेंट में बताना है, पूरा बना कर दिखाना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा, तो इसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो धीरे धीरे हम लोग जितना लिमिट में यूजफुल फॉर्मूला है उस पर बेस कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है वो धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।